किसने यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी प्यारी बच्चों, चॉइस फिल करते समय और एडमिशन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब आपको कॉलेज फिल करना होता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और फिर उसके बाद में उस कॉलेज में आप MBBS BDS कोई भी कोर्स करते हैं, तो ये कम समय के लिए नहीं होता है। वहां आपको 4.5 साल कोर्स करना पड़ेगा, 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी, तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत ही बेस्ट होना चाहिए और हर तरह से सुविधा युक्त होना चाहिए, ताकि आपको 5.5 साल तक कोई परेशानी ना हो। ये ऐसी बात तो है नहीं कि 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, 1-2 साल कैसे भी झेल लिया जाएगा, लेकिन ये तो पूरे 6 साल लगते हैं, इसमें 5.5 साल लगते हैं। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एडमिशन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा हमारे को कॉलेज मिले, ताकि हमारे को कोर्स के दौरान भी कोई प्रॉब्लम ना हो और कोर्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है यहां पर। तो देखो, सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि PG बेनिफिट्स उस स्टेट में कितना है, जिस स्टेट का मेडिकल कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उसमें PG में कितनी रैंक पर सिलेक्शन हो जाता है, कितनी ऑल इंडिया रैंक पर होता है, कौन से स्टेट में PG में लो मार्क्स पर अच्छी ब्रांच मिल जाती है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपने चॉइस फिल करनी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में यही उठता है कि हम कैसे पता करें कौन कौन से स्टेट्स में लें, ताकि PG में हमें फायदा हो सके, क्योंकि PG ही अभी एक, जिस प्रकार से आप नीट UG की तैयारी करते हैं, ऐसे ही आपको फिर नीट PG की तैयारी करनी होगी, और नीट PG की तैयारी करने के लिए आपके पास कौन कौन से बेनिफिट्स होने चाहिए, कितनी ऑल इंडिया रैंक पर सिलेक्शन हो जाता है, कौन से स्टेट की जो 50% सीट्स हैं उनमें आपको फायदा मिलेगा। तो आप सब इस बात को जानते हैं कि इंडिया में ये रूल है कि आप जहां से MBBS करते हैं वहां की 50% उस स्टेट की सीट के लिए आप इलिजिबल हैं। 50% सीट ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है और 50% सीट स्टेट के पास रहती है, तो जिस स्टेट से आप MBBS करते हैं वहां की 50% सीट के लिए आप इलिजिबल रहेंगे। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को भी PG का बेनिफिट देते हैं, वहां की डोमिसाइल होने पर वहां PG में एडमिशन देते हैं, चाहे उन्होंने MBBS कहां से भी किया हो। तो आपने PG का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा पहले वाला कि डॉक्टर MBBS करने के बाद उसी MBBS पर ही अपनी सर्विस पूरी कर लेता था, अपनी लाइफ निकाल लेते थे, लेकिन आजकल PG बहुत ही जरूरी हो गया है। MBBS की सीट्स भी इतनी बढ़ गई हैं कि MBBS करने के बाद में आपको PG करना जरूरी है, वैल्यू भी PG की ही है। तो हम ऐसे कौन कौन से स्टेट कंसीडर करें जहां पर हमें कम रैंक पर भी सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं यहां पर आपको कुछ स्टेट सजेस्ट कर रहा हूं। हालांकि ये कॉलेज फिल करते समय काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, फिर भी मैं यहां PG के कुछ स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप एडमिशन लेने से आपका PG में सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, इनमें रैंक कम जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। तो राजस्थान स्टेट में आपको पता है सर्विस का कोटा है, इन सर्विस में जो स्टूडेंट हैं 1 साल सर्विस करते हैं उनको 10% बेनिफिट मिलता है, यानी कि वो जितना स्कोर गेन करते हैं उसका 10% उनको 1 ईयर का मिलता है। सेकेंड ईयर में वो 20 ईयर्स उनको बेनिफिट मिलेगा 20% का, और थर्ड ईयर में 30% का बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो ये जो बेनिफिट मिलता है इससे यहां पर स्कोर काफी बढ़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां मैं जो आपको स्टेट वाइज जो कट ऑफ बता रहा हूं वो जनरल मेडिसिन की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की। इससे हम एक आइडिया ही लगा रहे हैं कि मेडिसिन की कट ऑफ कितनी जाती है, बाकी तकरीबन सब जो डिफरेंस रहता है रेडियो में, डर्मा में, सर्जरी में, पीडिया में, वो तकरीबन सेम सी रहता है। तो हम यहां जनरल मेडिसिन को ही कंसीडर कर रहे हैं, जनरल मेडिसिन को ही ले रहे हैं, क्योंकि हम सारी ब्रांच तो यहां डिस्कस कर नहीं पाएंगे, सारी रैंक तो यहां डिस्कस
नहीं कर पाएंगे, तो जनरल मेडिसिन की जनरल कैटेगरी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो राजस्थान का मैंने बता दिया, ये काफी डाउन जाता है, लेकिन ये आपको काफी डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें काफी सारी प्रॉब्लमें से होती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको 3 साल सर्विस एमबीबीएस की करने के बाद में स्कोर में 30% का बेनिफिट होगा, तो ये 3 साल सर्विस करने के बाद में पीजी में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें पुराने स्टूडेंट्स भी होते हैं, पुराने एमबीबीएस डॉक्टर्स भी होते हैं, तो उनका अनुभव भी रहता है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, इसलिए इनकी इतनी डाउन रेंज जाती है। अगर कोई स्टूडेंट सर्विस में नहीं है तो 2393 रैंक गई थी 21 में, ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये 2021 का बता रहा हूँ, तो ये रैंक गई थी। ऑल इंडिया की, राजस्थान की हम रैंक की बात करें तो इतने यूआर कैटेगरी, इतने ओबीसी में पीजी के लिए मेडिसिन में जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ 21 में गई थी। तो हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि राजस्थान से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो पीजी में कितना फाइट करना पड़ेगा आपको, अगर आप इन सर्विस में नहीं होते हैं तो। बाकी कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट सीट की बात करें, अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस करते हैं तो वहां थोड़ा सा रैंक डाउन जाती है, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट सीट तो आपको मिलेंगी ही, उसके बाद वहां की प्राइवेट सीट, प्राइवेट कॉलेजेज में भी गवर्नमेंट सीट है, तो उसके लिए भी आप इलिजिबल हो सकते हैं। तो कर्नाटका यहां आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पीजी के लिए। तो यहां पीजी के लिए जो गवर्नमेंट के लिए कट ऑफ जाती है 3912 कट ऑफ जाती है, जबकि हम राजस्थान का यहां देखें तो राजस्थान की जो कट ऑफ जा रही है 2393 जा रही है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और यहां पर कर्नाटका के लिए समथिंग 4000 के नियर बाई रैंक जा रही है, अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस करते हैं तो इस सीट के लिए इलिजिबल हैं। और प्राइवेट सीट, प्राइवेट कॉलेजेज में जो प्राइवेट सीट होती है उनमें गवर्नमेंट फीस पर भी कॉलेज हैं, तो वहां ये 14532 रैंक जाती है, लेकिन इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम प्राइवेट की बात करें, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं कर्नाटका से जिन्होंने एमबीबीएस नहीं किया है, राजस्थान, यूपी, एमपी से एमबीबीएस किया है, वो कर्नाटका के प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनकी फीस तो ज्यादा है लेकिन कट ऑफ काफी डाउन जाती है, 16000 पे जाती। तो यहाँ आपके लिए कर्नाटका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर दूसरे स्टेट की बात करें हम, तो महाराष्ट्र भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप महाराष्ट्र से एमबीबीएस करते हैं तो महाराष्ट्र में जो 21 में रैंक गई थी जनरल मेडिसिन की, जनरल कैटेगरी की, वो 5087 गई थी, तो महाराष्ट्र भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद में यूपी भी, सॉरी एमपी भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, 3631 रैंक है, और यूपी भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, 3607 रैंक। केरला गवर्नमेंट के लिए भी ऑप्शन हो सकता है, और केरला प्राइवेट में फीस ज्यादा है लेकिन यहाँ कम रैंक पर सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ लो रैंक पर हो जाता है। गुजरात की भी यही कंडीशन है, और दिल्ली का जो डीयू कोटा है उसकी कट ऑफ तो काफी डाउन जाती है, यानी कि 298 ऑल इंडिया रैंक पर ये पिछली बार गई थी, एलएचएमसी के लिए 413 और दिल्ली आईपीयू के लिए 210। तो ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, ये सारी स्टेट कोटा की कट ऑफ है, ये सारी स्टेट कोटा की कट ऑफ है। अगर आप बीएचयू से करते हैं तो यहां आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है बीएचयू से एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि जो इसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है उसकी रैंक डाउन जाती है, और फिर बीएचयू में आपको पीजी करने का मौका भी मिलेगा। एएमयू से और भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, यानी कि इतनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। इसके जो आगे ऑल इंडिया रैंक लिखी है, ऑल इंडिया रैंक भी देखो इतना सारा डिफरेंस है, अगर आप बीएचयू से इंस्टीट्यूशनल कोटा से सीट लेते हैं तो 2373 में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से पीजी की सीट लेते हैं बीएचयू में तो 278 रैंक पर ही आपका सिलेक्शन होगा इसमें। एमयू में भी यही है। इसके बाद चंडीगढ़ से आप इंस्टीट्यूशनल कोटा से लेते हैं तो 2000 के नियर बाई आपको ये सीट मिल जाती है। इसके बाद में अगर आप यूटी पूल कोटा से 1796, छत्तीसगढ़ भी यहाँ आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां अगर जिन कैंडिडेट ने छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस किया है तो 5148 रैंक तक चली जाती है इसकी, और झारखंड भी यहाँ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैं यहाँ आपको 14 जो स्टेट्स हैं उसके बारे में बता दिया, और भी बहुत स्टेट्स हैं जहां आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये काफी ज्यादा वर्कआउट करने के बाद में ऐसा मैंने सोचा है कि आपके लिए जो बेस्ट स्टेट्स हो सकते हैं जो पीजी के लिए, वो बेस्ट स्टेट्स में ये सारे हो सकते हैं। इनमें बेस्ट में सबसे हम मानते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कर्नाटका स्टेट, मान ही नहीं लेते हैं, होता भी है कर्नाटका स्टेट। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ गया, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ गया,
इसके बाद में यूपी आ गया और इसके बाद में राजस्थान आ गया, तो इन स्टेट्स में आप एमबीबीएस करके पीजी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो आपका एक हो गया पॉइंट, आपने चॉइस फिल करने से पहले इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। इसकी पहले वैल्यू नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसकी वैल्यू काफी हो गई है कि आप पीजी के लिए कितना बेनिफिट ले सकते हैं जहां से आप एमबीबीएस करेंगे। ये आजकल बहुत ही इफेक्ट डालने लग गया है, क्योंकि स्टूडेंट से कॉलेज में जाते ही सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से वो पीजी की तैयारी करने लग जाते हैं। और आजकल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी, अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर पीजी की तैयारी शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, वो थोड़े हार्ड भी होते हैं। हालांकि थर्ड ईयर में तो सब्जेक्ट कम ही है, चार पांच सब्जेक्ट ही है, लेकिन जो फाइनल ईयर होता है उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और फिर उनकी तैयारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ही 19 सब्जेक्ट्स हैं वो पीजी में भी काम में आएंगे, आपको पीजी के सिलेक्शन के लिए भी काम में आते हैं। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि पीजी में ऐसी कॉलेज भी ऐसी लेनी है जहां से आपको पीजी में फायदा हो सके। अगर कॉलेज में टीचिंग फैसिलिटी अच्छी होगी तो यही 19 सब्जेक्ट आपके पीजी की एग्जाम में आएंगे, और पीजी की एग्जाम में आएंगे तो काफी फायदा होगा। दूसरी बात, अभी नेक्स्ट एग्जाम भी लागू होने वाला है, तो जब नेक्स्ट एग्जाम लागू होगा तो उसमें भी जो नेक्स्ट वन होगा उसमें पीजी इसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा पीजी में, और जब पीजी में इसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा तो आपकी स्टडी काफी इंपॉर्टेंट रहती है एमबीबीएस की। तो ये तो एक पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बताया, पीजी का आपने देखना है और ये देख के एडमिशन लेना है। दूसरी बात करें हम सर्विस बॉन्ड के बारे में, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। सर्विस बॉन्ड के बारे में, आप अगर किसी ऐसे स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं जिसका सर्विस बॉन्ड ज्यादा हो तो उसमें आपके लिए वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिस स्टेट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितनी ईयर सर्विस देनी पड़ेगी ये जरूर जान लें, और अगर हम उतनी ईयर्स की सर्विस नहीं देते हैं तो पेनल्टी कितनी देनी होगी ये जान करके ही आप कॉलेज फिल करें, चॉइस फिल करें, एडमिशन लें। अब मैं यहां पर बता देता हूं कि इसके अलावा, सर्विस बॉन्ड के अलावा और भी कुछ इसमें आपको जानना जरूरी है। जैसे सर्विस बॉन्ड में भी आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे राजस्थान का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ईयर्स की सर्विस करनी होगी आपको एमबीबीएस के बाद में, अगर आप ये नहीं करते हैं तो 5 लाख की पेनल्टी देनी होगी। दूसरे स्टेट को ले लेते हैं हम, 1 ईयर की यहाँ सर्विस करनी पड़ेगी एमपी में, सॉरी महाराष्ट्र में, और 10 लाख का यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 5 ईयर्स की आपको सर्विस करनी पड़ेगी और 5 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप ये सर्विस नहीं करते हैं तो। अब इनमें भी ध्यान रखने वाली बात है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो इनमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, आपको यहाँ एक चीज नजर आ रही होगी कि जो तमिलनाडु स्टेट है उसमें 5 साल सर्विस करनी पड़ेगी एमबीबीएस के बाद, करनी पड़े या ना करनी पड़े, वो स्टेट करवाए या ना करवाए वो तो बाद की बात है, लेकिन हमारे से बॉन्ड जरूर भरवा लेते हैं ये कि ये सर्विस करनी पड़ेगी आपको। तो आपको यहां ज्यादा लग रहा है 5 साल, अरे यहां तमिलनाडु में तो 5 साल का बॉन्ड है, हम तो इस स्टेट को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 साल का जो बॉन्ड है वे बिल्कुल पेनफुल नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहां जो आपकी पेनल्टी है वो 5 लाख रुपीज है, पेनल्टी यहां की 5 लाख रुपीज है, जिसको आप आसानी से पे करके आ सकते हैं, अपनी सर्विस से छुटकारा ले सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं, देखो तमिलनाडु स्टेट की जो एनुअल ट्यूशन फीस है, तमिलनाडु स्टेट की जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 13,000 से लेकर के, 13,000 से लेकर के जो है 20,000 के नियर बाई है, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, इतनी ये ट्यूशन फीस है। तो अगर आप कंपेयर करें यहां महाराष्ट्र स्टेट की ट्यूशन फीस से या राजस्थान स्टेट की ट्यूशन फीस से, तो महाराष्ट्र की जो फीस है वो 1,20,000 के नियर बाई, एवरेज में मान के चल रहा हूं, इतनी फीस है। राजस्थान की माने तो राजस्थान में जैसे एसके कॉलेज है, डूंगरपुर है, तो इनकी 1,40,000 फीस है ऑल इंडिया कोटा की। तो अगर हम इनको पर ईयर फीस का जब हम इसको देखते हैं तो इस स्टेट की पर ईयर की फीस बहुत कम है। अगर आप साल में इतने सारे पैसे बचा लेते हैं तो ये बॉन्ड आप आसानी से फिल कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे, आपकी पर ईयर की फीस इस स्टेट में कम लग रही है, इनमें ज्यादा लग रही है, तो इस प्रकार का कैलकुलेशन भी लेके चले आप। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, या आपको थोड़े ये 5 ईयर्स की सर्विस लगेगी ज्यादा है तो आप ये
5 साल का बॉन्ड आराम से फिल करके आ सकते हैं। इसमें जो 10 लाख का बॉन्ड है ये आपके लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि आप पर ईयर तो इतनी ज्यादा फीस पे कर रहे हैं। यहाँ 5 लाख का बॉन्ड भी आपके लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि पर ईयर इतनी ज्यादा फीस आप पे कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु स्टेट में आप जो फीस पे कर रहे हैं वो बिल्कुल नाम मात्र है। इस फीस को बचा के, पर ईयर बचा के आप ये बॉन्ड फिल कर सकते हैं, तो तमिलनाडु का बॉन्ड बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना है सर्विस बॉन्ड के बारे में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पर सर्विस बॉन्ड का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, हमें हॉस्पिटल सिटी में हो, यह देखिए हम हॉस्पिटल सिटी में हो, जिस स्टेट में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका हॉस्पिटल कितना दूर है। मान लो आप ऐसी सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जहां का हॉस्पिटल सिटी तो वो अच्छा है, लेकिन हॉस्पिटल बाहर जंगल में है, तो वहां पेशेंट कम आएंगे, और पेशेंट कम आएंगे, पेशेंट फ्लो कम होगा, आपको सीखने के लिए कम मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखें कि सिटी के अंदर हॉस्पिटल हो जिसमें पेशेंट फ्लो ज्यादा हो, जिसमें पेशेंट फ्लो ज्यादा हो, बेड्स की संख्या ज्यादा हो। तो इस प्रकार से आपने देखना है, क्योंकि अभी आपको नॉर्मली इतना नॉलेज तो होगा नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में कितना पेशेंट फ्लो है, तो आप नेट से ये सर्च करके देख सकते हैं कि वो रेलवे स्टेशन से कितना दूर है हॉस्पिटल, वो सिटी से कितना दूर है, एयरपोर्ट से कितना दूर है वो हॉस्पिटल। तो जनरली जो नजदीक सिटी के अंदर हॉस्पिटल होगा उसमें भीड़ ज्यादा होगी, क्राउड ज्यादा होगा, तो सीखने के लिए ज्यादा मिलेगा। तो ये भी इस बात को आप कंसिडर करते हुए, ये तो आप आसानी से देख सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर के देख सकते हैं कि आप जिस कॉलेज की चॉइस फिल करने जा रहे हैं उसका हॉस्पिटल कितना दूर है सिटी से। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर लेते हैं कि आपके होम टाउन से डिस्टेंस कितना दूर है उस स्टेट का। जैसे मान लो आपके स्टेट में आपको अच्छी कॉलेज मिल रही है, आपके ही स्टेट में आपको अच्छी कॉलेज मिल रही है, तो आपको फिर तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना वहां क्यों जाना है, वहां पर क्यों जाना है। या फिर आप जैसे मान लो राजस्थान स्टेट से हैं, तो आपको एमपी में अच्छी सीट मिल रही है, महाराष्ट्र में मिल रही है, कर्नाटका में मिल रही है, तो आपको तेलंगाना, केरला वगैरह के बारे में आपने क्यों सोचना है। तो इसका आपने बेहद ध्यान रखना है कि डिस्टेंस होम टाउन से कितने डिस्टेंस पर है आपका जो आप कॉलेज फिल करने जा रहे हैं, तो इसको भी जरूर कंसिडर करें। ये भी जो मैटर है वो कंसिडर एबल है और इसको आपको कंसिडर करना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलेज आपको हमेशा टॉप के लोग के क्रम में फिल करनी है। ये मैं आपको बार बार बोलते आता हूं, हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि जो आप कॉलेज फिल कर रहे हैं टॉप से लो के क्रम में कॉलेज फिल करें। जैसे मान लो आपके मार्क्स आ रहे हैं 600, आपके मार्क्स आ रहे हैं 600, लेकिन आपने एक नंबर पर जो चॉइस फिल करना है वो एम्स दिल्ली करना है, एम्स दिल्ली करना है। हम सब जानते हैं कि यहां आपको एक हंसी आने वाली बात है कि यार 600 मार्क्स पर मैं जो एम्स दिल्ली कर रहा हूं ये तो गलती कर रहा हूं, लेकिन नहीं, टॉप में तो आपको एम्स दिल्ली ही करना है। आपको क्या पता ये आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या पता ये किस राउंड में नहीं मिलेगा, आपके 600 मार्क्स हैं, 610 मार्क्स हैं, ये नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे नंबर पर एमएएमसी भर रहे हैं, तीसरे नंबर पर वीएमएमसी भर रहे हैं, ये कोई नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के जो टॉप से भर रहे हैं तो पहले हमें टॉप के ही तो मिलेंगे, पहले हमें टॉप के कॉलेज ही तो मिल रहे हैं। जो इसमें अलॉटमेंट होता है उसमें अभी भी काफी सारे स्टूडेंट हुए उनके पेरेंट्स को डाउट है कि मैं पहले अगर नीचे वाला कॉलेज ऊपर भर दूंगा तो मेरे को पहले मिल जाएगा। नहीं, जो कंप्यूटर का अलॉटमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है कि कंप्यूटर पहले आपके फर्स्ट नंबर च्वाइस पर देखेगा, एम्स दिल्ली में सीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, दो नंबर पे आ जाएगा वो, दो नंबर की चॉइस पे सीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तीन नंबर पे आएगा, तीन नंबर पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जहां आपके रैंक पर उसको सीट वैकेंट मिलेगी वहीं आपको अलॉट कर देगा। तो आपने तो टॉप से लोएस्ट के क्रम में फिल करना है ताकि टॉप वाली आपको पहले मिल सके। तो इन सब बातों को आपको कंसिडर करना है और इन सब बातों को कंसिडर करके ही आपने च्वाइस फिल करना है। चॉइस फिल करते समय और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, ये 1 साल का कोर्स नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, 5.5 साल का कोर्स है। आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, आप अच्छी एमबीबीएस में पढ़ाई करोगे, नेक्स्ट एग्जाम में पीजी क्लियर कर पाओगे फर्स्ट ईयर में ही, अगर इन सब बातों को आप कंसिडर करोगे। तो अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे,
आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इस बुक में मैंने सभी के बारे में सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी दे रखी है। इसके बाद में कट ऑफ कैटेगरी वाइज राउंड वाइज कट ऑफ के बारे में बता रखा है इसमें। इसके अलावा 2022 में आपको कैसे च्वाइस फिल करनी है, कौन से स्टेट का क्या प्रोसीजर है, काउंसलिंग प्रोसीजर, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने कॉलेज हैं, टॉप से लो के क्रम में स्टेट में कौन कौन सी कॉलेज है। इसके बाद में ये जो बुक है ऑल इंडिया कोटा के लिए है, स्टेट के लिए है, आयुष, वेटनरी, सेंट्रल पूल कोटा, सभी के लिए तीन प्रकार की बुकें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं सोचता हूं ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसकी मैंने कुछ प्राइस सेट की है, वो प्राइस इस बुक की वैल्यू को देखते हुए कुछ भी नहीं है। ये 3 साल से मैं बुक लिखते आ रहा हूं और ये स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है। स्टूडेंट्स के जो रिव्यू मिलते हैं वो यही होते हैं कि इस बुक की प्राइस काफी होनी चाहिए लेकिन आपने इसको काफी कम प्राइस इसकी रखी हुई है। मैं बस यही आपको बता देता हूं। तो ये जानकारी थी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के वीडियोज हम लेके आते रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखें। हर एक स्टेट की काउंसलिंग के बारे में हम नॉलेज देते हैं, बताते हैं किस स्टेट में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक डिसलाइक का बटन भी है, वो डिसलाइक का बटन आप अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे को ये पता लगे कि फ्यूचर में हम इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाएंगे, स्टूडेंट को ये वीडियो लाइक नहीं होते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।